सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप लोग हो? से होंगे गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल को लेकर गाइस। जैसे कि अभी स्क्रीन में आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का आत्मा इफेक्ट, इस टाइप का सैड मोमेंट वाली स्काई चेंजिंग के साथ आत्मा इफेक्ट वाली जो वीडियो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ इस टाइप का वीडियो ट्यूटोरियल, वो भी VN एप्लीकेशन के ऊपर गाइस। काफी टाइम हो गया हमारे चैनल पर गाइस कुछ इस टाइप का आत्मा इफेक्ट वाले वीडियो ट्यूटोरियल को लाए हुए गाइस। सो फाइनली इस टाइप का वीडियो आज मैं बताने वाला हूँ। अगर इंटरेस्टेड है आपको भी सीखना इस टाइप का वीडियो एडिटिंग, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो कर देते से लाइक करना, चैनल पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए गाइस आज के वीडियो एडिटिंग को करते हैं स्टार्ट। सो देखो गाइस, मैं पहले यहाँ पर VN एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना होगा। जो यहाँ पर मैंने वीडियो को भी ऐड करके रखा है, तो आप अपना वीडियो ऐड कर लेना। जो भी आपने वीडियो शूट करा है आउटडोर पर, तो कुछ मैंने इस टाइप से वीडियो शूट करा है, देख सकते हो गाइस। सो आपको भी शूट कर लेना कुछ इस टाइप से, मतलब कि थोड़ा स्काई के सामने शूट करना और थोड़ा सा अच्छे से एक्टिंग करना, मेरे से बकवास मत करना। तो इस टाइप से शूट करने के बाद यहाँ पर दूसरा नंबर जो काम आता है, मतलब साउंड को ऐड करना, क्योंकि साउंड के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तो साउंड को सबसे पहले यहाँ पर टच करना, देन म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पर साउंड को ऐड कर देना। तो मैं थोड़ा फास्टली बताऊंगा गाइस, सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। यहाँ पर बीट वाली जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस, आपको यहाँ पर साउंड पे बीट भी लगाना है। तो गाइस सबसे पहले साउंड वाले ऑप्शन पे जाना, बीट वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर जो भी कर्व लाइन है, जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पर बीट लगा के रखा था तो ये शो कर रहा है। तो गाइस अगर आपको VN एप्लीकेशन के ऊपर साउंड के ऊपर बीट लगाना नहीं आता, तो इसके रिलेटेड मैंने चैनल पर वीडियो बना के रखी है, जाकर देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करना, मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर से बीट लगा देना और यहाँ पर एक अगर आप सुनोगे तो यहाँ पर एक गन शूट का आवाज़ आएगा, तो ठीक है, तो उस पर आपको एक बीट लगा देना। तो दो नंबर पे ये बीट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको डन कर देना, ओके। उसके बाद डन कर देना और यहाँ पर ऐसे करके हमारा साउंड सॉन्ग जो है ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वीडियो पे आना है और वीडियो पे आने के बाद गाइज आपको इस वाली पोजीशन पे, जैसे कि आप हाथ को ऐसे कर रहे हो, एक बार दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन पे कट करना। अब आपको क्या करना है, ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा को आपको इतना स्वीट करना है कि आपका जो ये ट्रैक है दो नंबर वाली ट्रैक पे, आपको मतलब दो नंबर वाली बीट पे आपके आके सेट हो जाए। तो आपको इसके लिए गाइस स्पीड वाले ऑप्शन पे जाना है और स्पीड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर एक प्रेजेंट, ठीक है, एक ये चीज़ जो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पे आपको क्लिक करना है गाइस। तो वीडियो का ध्यान से देखना गाइस, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आपको यूट्यूब में पहले किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसे छूट जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्लिक करना और आपको जाना है बुलेट टाइम, ठीक है, बुलेट टाइम पे आपको सेट करना है। तो ये हीरो टाइम भी अच्छा है या बुलेट टाइम, दो में से एक सेट कर लेना। तो मैं यहाँ पर हीरो टाइम को ही सेट कर लेता हूँ और इसको देखता हूँ कि सही से हुआ या नहीं हुआ। सो अभी बहुत ज़्यादा ये अभी मतलब छोटा हो गया गाइज, तो इसको आप सेकंड वाली जो पार्ट है इसको आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो करना है। तो इसको कर्व को ऐसे करके स्लो कर देना, ठीक है, जो कि साउंड मतलब सॉन्ग के एंड तक यही वाला कर्व को ले जाना है। तो इसको ऐसे करके सेट कर देना, तो ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, फिर से इसको मैच करना है। कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा। ये जो है गाइज आगे वाला हिस्सा है, इसको आपको लेंथ को दूसरा नंबर बीट के अकॉर्डिंग ही रखना होगा, तभी जाके आपका जो ये वीडियो सही से बन पाएगा। चाहे ये आपको थोड़ा सा स्लो स्पीड को घटाना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पर इसको ऐसे ही रखना है। ये देख सकते हो गाइज अभी ज़्यादा फास्ट हो गया, मतलब यहाँ से इतना दूर आगे बढ़ गया, तो इसको फिर से सेट करना है आपको। तो सेट करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर देना और अभी भी थोड़ा आगे भाग रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे से कट कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही कट हो गया लग रहा है। तो ये लाइनिंग को मैं सही से सेट कर लेता हूँ, ओके। अगर आप देखोगे गाइस अभी, तो यहाँ लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेरा जो ये स्प्लिट वाली भाग मैच हो चुका है, ठीक है। अभी मैं अगर प्ले करूँगा तो साउंड के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा सही है। अब आपको क्या करना है, ये वाले हिस्सा को आपको थोड़ा सा स्लो करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हमारा सॉन्ग उतना लंबा नहीं है, चाहो तो आप थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हो। देख सकते हैं कि ये इम्प्रोवाइजेशन मैच हो चुका है साउंड के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ स्टॉप करना, ठीक है, स्टॉप करना ऐसे और यहाँ से एक आपको इसको बड़ा कर लेना होगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे स्टॉप करना ऐसे, और इसको एक फ़ोटो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका एक आपको PNG निकाल लेना है, मतलब बैकग्राउंड को रिमूव करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद क्या, यहाँ से आपको आपको ले क्या करना होगा, नेक्स्ट पार्ट में इसको ऐड करना है। क्लिप वाले ऑप्शन पर जाना है, ये वीडियो वाले ऑप्शन पर, और जो आपने PNG निकाला हो
होगा वो PNG को आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाल के रखा था पहले ही, तो ये देख सकते हैं ये हमारा PNG है, तो इसको सबसे पहले तो फुल स्क्रीन कर लेना ऐसे करे फिट। ओके ये फिट कर देना, अगर फिट ना हो तो हाथ से इसको फिट कर देना। सो यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना और एंड तक ले जाना, ये PNG को वीडियो के एंड तक सेट कर देना। अब यहाँ पर आपको ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको एक जूम इफेक्ट को लगा देना, तो देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप का एक इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ से जैसे ही आपका ये वाला पार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको जाना है की फ्रेम पे और लास्ट में की फ्रेम लगाना है। ओके दो की फ्रेम लगा दोगे तो आपका यहाँ पर एक कर्व वाली लाइन दिखेगा गाइस। सो ध्यान से देखना, ये वाली लाइन मैंने पहले ही बताया कि वीडियो को ध्यान से देखना, ये कर्व वाली लाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इधर जाओगे, थोड़ा सा इधर जाने के बाद थोड़ा सा इधर जाओगे, लास्ट में डंप, ये डंप वाली जो सेट है इसको कर लेना और इसको आपको यहाँ से ऐसे करके कर देना है, छोटा करके ऊपर की ओर ले जाना है ऐसे, ठीक है। अभी अगर आप थोड़ा सा इसको क्या करना है, आपको इसका जो कलर है और ओपेसिटी है थोड़ा सा कम कर लेना आप, ताकि आपका जो वीडियो है ये पहले ही कर लेना ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेना, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर पूरी तरह से सेट कर दिया सारा चीज़ को। यहाँ पर कलर का जो है गाइस, इसको फिल्टर में जाके इसका कलर को भी मैंने P7 वाला लगा दिया और ये सारा चीज़ करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट मेरा कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो अभी आपको एक चीज़ करना होगा जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर कर्व वाली जो लाइन है गाइस वो हट गया होगा, फिर से आपको यहाँ पर सेट कर लेना, तो कुछ इस टाइप से देख रहे हो। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि क्या काम करती है ये चीज़, ठीक है। तो इस शटर वाले इफेक्ट पर कभी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर डंप वन वाले इफेक्ट को लगा लेता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि थोड़ा सा फास्ट होके स्लो हो जाता है। सो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेप से इफेक्ट लगेगा, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इसको यहाँ पर सेट कर लेना ऐसे करके। सो अभी क्या करना होगा, जब वीडियो आपको इतना क्रिएट हो जाए, सो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जाना है एक्सपोर्ट वाली ऑप्शन पर और वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। सो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो आपको फिर से प्लस वाला आइकन को क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है गाइस, सेम वीडियो को ऐड कर लेना है यहाँ से, वीडियो सेम वीडियो को ऐड करना। सो गाइस यहाँ पर वीडियो को सेम वीडियो को ऐड होने के बाद गाइस यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा वीडियो आ चुका है, देख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें फिर से ऐड करना होगा, जैसे कि हमारा जो वीडियो का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को चेंज करना है, जिसके लिए आपको पिक वाले ऑप्शन पर जाना होगा और वीडियो वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ PNG मतलब कुछ फ़ोटोज़ का लिंक दे दूंगा, तो ये वाले आप लोग ले लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, सॉरी मतलब ले लेना मतलब डाउनलोड कर लेना। ये वाले मैं रेड वाली जो इफेक्ट है इसको ले आता हूँ और इसके आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पर फिट कर देना और फिट करने के बाद ऐसे जूम कर देना। ओके जूम करने के बाद आपको जाना है गाइस यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे। ओके डार्क वाले ऑप्शन, मल्टीप्लाई, यहाँ पर चेक कर लेना कौन वाले ऑप्शन आप पे ज़्यादा वर्क सही से कर रही है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वाले जो ऑप्शन दिख रहा है सही लग रहा है, ठीक है। अभी मैं और सेट करूँगा इसको और उसके बाद इसको क्या करना है, मास्किंग वाले ऑप्शन पे जाना, लेकिन उससे पहले ये फ़ोटो को ऊपर की ओर ले जाना थोड़ा और मास्किंग वाले ऑप्शन यूज करना। लाइनर, लाइनर को और एक बार क्लिक करोगे तो नीचे से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको सेट कर देना इसको ऐसे करके। ओके सेट कर देना। अब यहाँ पर ये जो हमारा मून वाला इफेक्ट आ जाएगा, अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है एरो पे और यहाँ पर एंड तक ले जाना है इसको। हमारा ये कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस टाइप से रहेगा। और अब थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सो यहाँ पर इफेक्ट लगाने के लिए क्या करना होगा, बीच में आपको यहाँ से कट करना और यहाँ से मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले सॉन्ग को ऐड कर लेना, ठीक है। सॉन्ग ऐड करने के बाद ऐसे करके सॉन्ग ऐड करना और सॉन्ग ऐड करने के बाद जैसे कि आपने पहली बार बीट मार्क किया होगा तो वो सेम बीट मार्क आप फिर से इसमें भी आ जाएगा। सो आपको क्या करना, बीट मार्क के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बीट मतलब यहाँ पर आपको बीट लगा मतलब स्प्लिट कर देना वीडियो को। ओके वीडियो को स्प्लिट कर देना बीट मार्क के अकॉर्डिंग,
ऐसे करके। अब आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर आपको आना एफएक्स वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये फ्लैश इफेक्ट लगाना है मुझे, हमें फ्लैश इफेक्ट को यूज कर लेना है यहाँ से। फिर इसमें भी आपको कुछ और इफेक्ट लगाना है, जैसे कि ये, तो ये वाला इफेक्ट लगा लिया, और इस पर भी मैं कुछ और इफेक्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सब में इफेक्ट लगा लेता हूँ, और इसमें भी एक इफेक्ट लगा ही लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके लगा लिया। अब मेन साउंड को ऑफ कर देना, एक बार प्ले करके देखता हूँ मैं। तो देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से लगेगा। तो हमारा वीडियो यहाँ पर बनके कंप्लीट हो जाता है, तो इस तरह से वीडियो बन जाएगा, और आपका यहाँ पर 4K में जो भी सपोर्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गया कि कैसे आपको क्रिएट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।